नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कंट्री न्यूज पर। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। इस युद्ध में अब तक यूक्रेन के हजारों सैनिकों और आम नागरिकों की जान जा चुकी है। इस बीच यूक्रेनी एक्टर पासा ली भी अपने देश की रक्षा करते हुए जान गंवा दी है। पासा फ्रंट लाइन में रहकर सेना के निर्देशों का पालन कर रहे थे। इसी दौरान 6 मार्च को इरपिन में हुई बमबारी में उनकी मौत हो गई। इस बात की जानकारी ओडेसा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने स्पॉट शेयर कर दी है। रूसी गोलीबारी ने फेमस यूक्रेनी एक्टर पासा की जान ले ली है। 6 मार्च को यूक्रेन के इरपिन शहर में रूस की सेना की तरफ से हुई गोलीबारी में पासा की जान गई। उनकी उम्र 33 वर्ष थी। युद्ध शुरू होते ही पासा ने अपने एक्टिंग कैरियर छोड़ दिया था। इसके बाद वह यूक्रेन के टेरिटोरियल डिफेंस यूनिट में शामिल हो गए थे। पासा ली यूक्रेन के फेमस एक्टर, डबिंग आर्टिस्ट और सिंगर और म्यूजिक कंपोजर थे। उन्होंने अपना कैरियर टीवी कॉमर्शियल से शुरू किया था। उन्होंने 2006 में स्टोलनाया नामक की फिल्म से अपना डेब्यू किया था। उनकी फेमस फिल्मों में शेडो ऑफ अनफॉरगॉटन, एंस्टर, द फाइट रूल और मीटिंग ऑफ क्लासमेट शामिल थी। आपको न्यूज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।